नमस्कार, मैं आपके साथ पनीर शाही। आप देख रहे हैं मिनी उजा। ले चलते हैं रीवा जिले की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रीवा कलेक्टर कलैया राजा टी और पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह द्वारा अवैध बिक्री का अवैध प्रवेशन करने वालों के खिलाफ अब तक कड़ी कार्यवाही की जा रही है। आगे आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी कार्यवाही रीवा पुलिस द्वारा सिरमौर चचाई मार्ग पर पुलिस द्वारा चार टीमों के एक साथ घेराबंदी कर तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा ट्रकों को एक साथ पकड़ाया गया है। कार्यवाही के बाद अवैध खनन और परिवहन करने वालों के अंदर मचा हड़कंप। आगे आपको बता दें, एस डी ओ पी सिरमौर पी एस परस्ते के नेतृत्व में की गई पूरी कार्यवाही। पुलिस और खनन विभाग का अमला मौके पर मौजूद। सभी ट्रकों को किया गया जब्त। यूपी ले जाई जा रही थी गिट्टी की खेप। ट्रक चालकों के पास नहीं मिले दस्तावेज। कार्रवाई की लिए जारी कलेक्टर कलैया राजा टी एस पी राकेश सिंह की जुगलबंदी का असर। 4 दिन पहले कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सड़क पर वाहन वाहनों के प्रवेश पर लगाई थी रोक। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। सड़कें बनी हुई हैं। अमूमन क्या हो रहा है, इस जिले में बड़ी गंभीर समस्या यह है कि कलेक्टर महोदय द्वारा इस संदर्भ में आदेश भी जारी किया गया था कि इन रास्तों से जो प्रधानमंत्री सड़क वाले रास्ते हैं उनसे कोई भी वाहन जाना नहीं चाहिए जिसका वजन 8 टन से ज़्यादा हो। कुल वजन यानी वाहन और वाहन के अंदर जो मटेरियल लोड है उनका वजन 8 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन रीवा में ये हो रहा है कि इसके पीछे कोई गैंग भी शामिल है और इसके अलावा जो टोल टैक्स चोरी करने वाले छोटे रूट को पकड़ के इन सब चीज़ों से बचने वाले रॉयल्टी चोरी करने वाले तमाम जो है खनिज माफिया से जुड़े हुए लोग प्रधानमंत्री सड़कों के जरिए अपने ट्रक को पार कराते हैं और ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनके माध्यम से जाते हैं। जैसे जो है सिरमौर होते हुए या त्रैला होते हुए या तो जवा जने से निकलते हैं या जो है बीरपुर के सामने से यूपी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ टोल टैक्स की चोरी होती है अपित रॉयल्टी चोरी होती है। बहुत बड़ी चोरी है और इस तरह हमें सूचना मिली थी तो हम सूचना पर तत्काल हमने एसडीओपी सिरमौर के नेतृत्व में टीम भेजी और तत्काल कलेक्टर रीवा साहब से बात किया। कलेक्टर रीवा साहब ने तत्काल खनिज विभाग को सक्रिय किया। इसके अलावा हमने ट्रैफिक डीएसपी और उनकी टीम को भेजा क्योंकि हमें जानकारी थी कि दो दर्जन से ज़्यादा वाहन हैं। लेकिन मौके पर चेक करने पर टोटल 37 वाहन मिले। 37 वाहनों में 7 वाहनों में ड्राइवर कंडक्टर तो हैं लेकिन शेष के